सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे। हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सो फाइनली गाइस हम है गेटवे ऑफ इंडिया पे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और मेरे पीछे जस्ट बगल में यहाँ पर ताज होटल है। तो यहाँ पर अपना बाबू गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ये, और यहाँ पर ये भी घूम ले, देख लो बाबू, ये देख ले बेटा, देख लो। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के बॉम्बे में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक मेहरा बाजार स्मारक है। यह स्मारक 1911 में भारत की यात्रा पर किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के अपोलो बंदर में उतरने की स्मृति में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर स्थित है और अरब सागर को देखता है। यह स्मारक मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है और यह शहर का शीर्ष पर्यटक स्थल में से एक है। इंडोर सार्वजनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 में रखी गई थी और इसका जो संरचना था वो 26 मीटर था और 85 फीट ऊंची है। और इसका अंतिम डिजाइन को 1914 में मंजूरी दिया गया था और यह इसका निर्माण जो है वो 1924 में पूरा हुआ था। गेटवे को बाद में वायसराय और बॉम्बे के नए गवर्नरों में से भारत में एक प्रतीकात्मक औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसने भारत में प्रवेश और पहुंच की अनुमति देने का काम किया था। तो गाइस गेटवे ऑफ इंडिया में आओगे तो यहाँ पर घूमने के लिए कुछ इस प्रकार से यदि यहाँ पर 115 रुपये चार्ज है, 115 रुपये टिकट है। तो चलिए चलते हैं, और इतना हिलते रहता है खतरनाक, चलिए चलते हैं। यहाँ से लोग जाते हैं वही खतरनाक तरीका से, यहाँ से जाना होता है। 115 रुपये लेकर चल रहे हैं हम, चलिए चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इतने सारे फेरी और सब फेरी कुछ इस प्रकार से रहते हैं और इसी में आपको घुमाने ले जाते हैं। लगभग आधा से एक घंटा घुमाते हैं जिसका चार्ज आपको 115 रुपये देना पड़ता है प्रति व्यक्ति। चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आसपास के व्यू को। गेटवे ऑफ इंडिया इधर से, और यहाँ से जा रहे हैं देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अपना फेरी निकल चुके हैं।